लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दिवा पाटिल साहब का वहाँ जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, संघर्ष भूमि है और उन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन त्यागा है। इस भूमि पर किसका नाम होने, लोगों को अधिकार है और लोगों का अधिकार आपको छीनने का हक बिल्कुल नहीं है। लोगों की भाव और भावना यही है कि नई मुंबई एयरपोर्ट को दिवा पाटिल साहब का ही नाम देना है और वो अंतिम तिलक देने के लिए हमारा संघर्ष कायम रहेगा। राज्य के उद्धव सरकार नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित कर चुकी है। हालांकि नई मुंबई थाने और रायगढ़ के जो प्रकल्पग्रस्त हैं वो अपने मसीहा दिवा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट पर चाहते हैं और इसीलिए ये आंदोलन का रूप जो अख्तियार कर लिए हैं। उनकी मांग है कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ दिवा पाटिल साहब का ही नाम दिया जाना चाहिए। इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तरपक्षी प्रकल्पग्रस्त कृति समिति के समन्वय समिति के कोर कमेटी के मेंबर और बीजेपी के सीनियर लीडर दशरथ भगत साहब हमारे साथ हैं। भगत साहब, आखिर क्या वजह है कि इतना भावनात्मक तौर पर सारे प्रकल्पग्रस्त दिवा पाटिल साहब के नाम की मांग कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ उनका ही नाम दिया जाना चाहिए? यहाँ की जो भूमि पुत्र है वो सब भूमि पुत्र भावनावश हो चुके हैं और यहाँ की भूमि पुत्र के सहित इस राज्य का और देश का भूमि पुत्र भी जुड़ रहा है और हाँ, इस जमीन का जो भूमि पुत्र है, इस भूमि पुत्र ने यहाँ जमीन दे दी है। जिस जमीन में से प्लेन उड़ने वाला है और वो जमीन में दिवा पाटिल साहब का वहाँ जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, संघर्ष भूमि है और उन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन त्यागा है, बहुत सारा हमारे लिए बहुत संघर्ष किए है और जो कुछ आज है वो सिर्फ दिवा पाटिल साहब की देन है और उस देन के लिए आज हमें ये जो देन है वो दिया है उसके अब ये स्मरण हमें हो रही है कि दिवा पाटिल साहब के हमारे लिए योगदान किया है और इसीलिए आज हम यह जो आंदोलन है यह आंदोलन में सहभागी होने के लिए, इन आंदोलन में शामिल होने के लिए हम यहाँ शांति से आने वाले हैं। हम तो सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो कुछ हमारे लिए जितना उपकार किया, हमारे लिए जितने उनके माध्यम दिवा पाटिल साहब के माध्यम दिवा पाटिल साहब ने जो खुद का जीवन हमारे लिए जो त्याग दिया है, हमारे लिए संघर्ष किया है और उनका नाम एयरपोर्ट को देना, इसका मतलब इस भूमि पुत्र का अस्तित्व की पहचान जीवित रखना। क्या बोला है, ये भूमि पुत्र की अस्तित्व की पहचान जीवित रखने के लिए दिवा पाटिल साहब का नाम देना है और वो पूरा भारतवर्ष का भूमि पुत्र भी यही सोच रहा है कि सभी भूमि पुत्र पूरा भारत में जहाँ उनके जिधर जिस जगह पे जिस लोगों के लिए जिन लोगों के लिए वहाँ का जो त्यागी पुरुष जिन्होंने संघर्ष किया वो लोकल लोगों के लिए इसलिए वो भी जुड़ा क्योंकि दिवा पाटिल साहब के माध्यम से हमारे भूमि पुत्र की नई भूमि पुत्र की जब पहचान जी अस्तित्व की पहचान बचेगी जीवित रहेगी तो हमारी जीवित रहेगी, इसलिए वो भी जुड़ रहा है और वो अच्छी तरह से बड़े तादाद लाखों की संख्या में मिलेगी शांति से। सर सरकार जिस तरह से विकल्प बार बार सुझा रही है कि भाई ऐसा दिवा पाटिल का नाम कहीं किसी और प्रोजेक्ट पर दे दिया जाए, ऐसा आपको कितना जायज लग रहा है? कहीं नहीं लग रहा है आपको कि ये कहीं ना कहीं संवैधानिक जो लोकाधिकार है, स्थानिक लोगों का जो अधिकार है, उनकी पहचान का जो उनके अस्तित्व के जो सम्मान की जो बात है उसको उससे भटकाने की एक कोशिश है? हमारा कहना ये है कि इस देश में स्थानिक लोकाधिकार हक का निर्णय लेने का स्वतंत्रता घटने ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो घटना है घटने ने दे दी है और वो जो अधिकार और हक है वो हक का स्वतंत्र का निर्णय लेना हमारा काम है। इसीलिए राज्य शासन कुछ भी बोले, यहाँ की जनभावना, जन आधार
और लोगों की भाव और भावना यही है कि नई मुंबई एयरपोर्ट को दिवा पाटिल साहब का ही नाम देना है और वो अंतिम तिलक देने के लिए हमारा संघर्ष कायम रहेगा। जिस तरह से राज्य सरकार और पुलिस इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए अथवा ये रोकने की कोशिश कर रही है, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या आंदोलन पर इसका किसी तरह का असर पड़ सकता है ना? हमें भरोसा है कि ये जो आंदोलन शांति से हो रहा है, जब सरकार की इच्छा हो रही है कि इस आंदोलन का दमन करे, दहन करे, लेकिन जो यह प्रशासन है, प्रशासन का भरोसा है ये शांतिपूर्ण होगा और ये अच्छे तरीके से प्रदर्शन होगा। और हमारा जो भाव है, हमारा प्रेम है दिवा पाटिल साहब के कार्य है, उसका त्याग, उन्होंने जो अपना जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया, वो जो जीवन समर्पित किया उसके प्रति हम हमारा आदर भाव और उन्होंने हमें जो दे दिया है उसका जो हमने जो परत फेर करना है उसके लिए हम यह आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस को भी इस के लिए कुछ शंका या कुछ मन में लाने की कुछ ज़रूरत नहीं ऐसा मेरा, क्योंकि यहाँ के लोग सांप्रदायिक है, वारकरी लोग है, सत्संगी लोग है, अच्छे लोग है। ये डर क्यों पैदा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हम एक संविधान मार्ग से, लोकशाही मार्ग से हमारा भाव प्रकट कर रहा है, हमारा हक मांग रहा है, हमारा जो कुछ अधिकार है, जो घटना दी है, स्थानिक लोकाधिकार जो हक है उसका निर्णय लेने का स्वतंत्र हमें, वो राज्य शासन को नहीं है। वो जैसा ग्राम पंचायत है, कॉरपोरेशन है, पालिका, उनको जो स्वराज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो हक दे दिया है तो हक दे, वो तो रिस्पेक्ट करो, उसका तो मानो, कानून तो मानो। जब जो ग्राम पंचायत को हक दिया है, कॉरपोरेशन को हक दिया है, इसका मतलब इसका नगर से इस भूमि पर किसका नाम होने, लोगों को अधिकार है, और लोगों का अधिकार आपको छीनने का हक बिल्कुल नहीं है। घटने में दिया है, घटने तो दिया नहीं है और आपको छीनने का हक नहीं है। आप तो राजा हो आप। राजा ने दोनों का ख्याल करना चाहिए, उसने सेंटर रहना चाहिए, एक साइड नहीं। अब आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो राजा हैं, लेकिन जब राजा अगर अपने पितृ मोह में आकर अपने पिता के ही नाम के जिद में अड़ जाएं तो आप उसे क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि राजा ने राजा के भूमि में रहना चाहिए, जो उसकी भूमिका है उसके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, हम हमारे राजा से बात कर रहे हैं। और जब राजा से बात होके जब वो पक्ष प्रमुख या पुत्र करके बात कर रहा है तो लोगों ने देखा है, तो लोग सोच रहे हैं कि उसके बारे में किस तरह से लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र का एक तरह से जो महाराष्ट्र का ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, उनके तरफ देखने का लोगों का एक अच्छा भाव है, एक विचार है, वो नीचे ना आए, उस स्तर नीचे ना आए। एक आखिरी सवाल सर, अब इस आंदोलन में युवाओं की बड़ी सहभागिता हो गई है, किस तरह से आप उनकी भावनाओं को देख रहे हैं और अगर इसमें सरकार कहीं रोकने की कोशिश करती है तो उनकी भूमिका? नहीं, सरकार रोकने का कितना ही प्रयास करे, सरकार को रोकने कितना भी प्रयास करे, यहाँ की युवा, ज्येष्ठ महिला और बच्चे भी, जहाँ दिवा पाटिल साहब ने हमेशा आंदोलन की भूमि रही है, जो सभा की भूमि है, कि सभा की भूमि है, वो भूमि का दर्शन देने के लिए आ रहा है और वो चाहते हैं हमें वो भूमि में जाने दो, जिसकी दिवा पाटिल साहब ने हमारे उपकार किया है, वो जो उपकार है वो उपकार की स्मरण हमें रहना चाहिए। हम तो भूल गए हमें बहुत कुछ दिया, वो जमीन के यहाँ जाना है, वो लोगों को, वो पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब जाने दो हमें, पुलिस बाबा जाने दो, पुलिस दादा जाने दो हमें, साहब जाने दो हमें, जहाँ दिवा पाटिल साहब खड़े थे उस जमीन का दर्शन लेने के जाना है, उस जमीन को छूना है हमें। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि सर्वपक्षीय समन्वय कृति समिति है, उसके कोर मेंबर थे दशरथ भगत जी, आप बता रहे थे कि ये जो नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम देने की जो मांग है वो दरअसल अस्तित्व की मांग है, प्रकटग्रस्तों की पहचान की मांग है और ये पहचान कायम तभी रहेगी जब नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिवा पाटिल साहब का नाम दिया जाएगा। उम्मीद है कि राज्य सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर इस बारे में सकारात्मक निर्णय लेगी और प्रकटग्रस्तों की जन भावनाओं को देखते हुए नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिवा पाटिल साहब का नाम देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।